दोस्तों ऊपर वाला सब देखता है। जी हाँ, और अब तो एक नहीं दो दो ऊपर वाले हैं जो आपकी हरकत को देख रहे हैं। एक तो भगवान और दूसरा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी कि सीसीटीवी कैमरा। अब गलत काम करके बचना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों चोर कभी चोरी करना बंद नहीं करता, लेकिन अब सीधे साधे लोग भी चुप नहीं बैठे हैं। वे सब घर समेत अपने दुकानों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं और यकीन मानिए लोग चोरी करते अब रंगे हाथों पकड़े भी जा रहे हैं। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं चोरी की ऐसी घटनाएं जो कैमरे में कैद हो गई, और कैद ऐसे हुई जिसे हम कहते हैं आंख रहते डिम्मा गोल कर दिया। लेकिन इसके पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों दोस्तों हम हिंदुस्तानी जहां भी रहते हैं बिल्कुल शान से रहते हैं। अब जो चोरी हम आपको दिखाने वाले हैं ये न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में हुई थी। यहाँ अशोक ज्वेलर्स नाम का एक शॉप है जिसमें 2012 में कुछ चोर चोरी करने के लिए पहुँचे। 4 से 5 चोर था तकरीबन। इनको लगा कि दुकानदार डर जाएंगे और सोना चांदी लेकर भाग जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि अंदर हिंदुस्तानी शेर जो बैठे थे। ये देखिए दोस्तों, हिंदुस्तानी दुकानदार ने कैसे अपने रिश्तेदार के साथ में चोर को मात देने के लिए तलवार निकाल डाली। चोरों ने देखा कि तलवार समेत 4-5 लोग हैं दुकान के अंदर, वो फिर दुम दबा के वहाँ से भाग गया। पता चल गया उन्हें कि हिंदुस्तानियों से पंगा लेंगे तो पुंगी बच जाएगी। अब यहाँ देख लीजिए, 2 कम उम्र के बच्चे लेकिन चोरी करने में हैं उस्ताद। ये उम्र दराज दुकानदारों को अपना निशाना बनाते हैं, फिर दुकानदारों से कोई सामान खरीद कर उनको बड़ा सा नोट थमा देते हैं। जैसे ही दुकानदार अपना गल्ला खोलते हैं ये गल्ला साफ करने के फिराक में होते हैं। ये देखिए कैसे इन्होंने पैसे देने के बाद दुकानदार को कुछ और दिखाने के लिए कहा है। दुकानदार इनको सामान दिखाते हैं और ये इतने में उनके गल्ले को साफ कर जाते हैं। दोस्तों इन्हें देखने के बाद तो यही कहा जाएगा कि अगर आप दुकान चलाते हैं तो प्लीज़ कस्टमर के सामने एक तो अपने गले को ना खोलें, और अगर खोल भी रहें तो उन्हें याद से पहले बंद कर लें, नहीं तो कोई 50 रुपये का सामान खरीदेगा और 5,000 रुपये लेकर चला जाएगा। ये एक मोबाइल शॉप का वीडियो है जहाँ ये 4 लड़के मोबाइल खरीदने का नाटक करते हैं, दुकानदार को बातों में फंसाते हैं और पीछे से आकर एक लड़का 2 मोबाइल चुरा कर चले जाते हैं। क्या कॉन्फिडेंस है भाई, फिर ये कुछ खरीदते नहीं वैसे ही चले जाते हैं। दोस्तों आजकल लगभग सभी जगह चलते चलते फ़ोन चुराने का तरीका चोरों के बीच में बड़ा पॉपुलर हो गया है। आपको पता भी नहीं चलेगा और 2 सेकंड के अंदर में आपका फ़ोन कोई लेके भाग जाएगा। हालांकि अपने देश में कई बार चाकू या गन दिखा के भी फ़ोन छीन लिया जाता है, लेकिन ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये अमेरिका का है। ये देखिए एक साथ में कितने लोग रोड पर वॉक कर रहे हैं। ये सफ़ेद कपड़े वाले के ऊपर आप नज़र बना के रखिएगा। ये बात करते हुए आगे बढ़ रहा था तभी किसी ने पीछे से धक्का दिया और फ़ोन गायब, और चोर शरीफ के भांति उनके आंखों के सामने से फ़ोन लेके निकल गया और उनको भनक भी नहीं लगने दिया। तो अब इन बेवकूफ़ चोर से मिलिए। ये लड़का जो बहुत कम उम्र का लग रहा है ये ज्वेलरी की दुकान में कुछ सोना चांदी खरीदने के लिए आया है। हालांकि इनका इरादा सोने की चेन लेकर भागने का था, इनका प्लान सेट था, लेकिन इनको पता नहीं था कि दुकानदार भी मास्टर आदमी था। ऐसे ज्वेलरी शॉप में आप आ तो अपनी मर्जी से सकते हैं, लेकिन जाने के लिए आपको दुकानदार की परमिशन चाहिए क्योंकि गेट ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है आपके अंदर आने के बाद। लेकिन ये बात भोले भाले चोर को कहाँ पता था, ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार ये चोरी करने के लिए आया था। दोस्तों जैसे ये चेन लेकर भागना चाहा गेट खुद ब खुद बंद हो गया। चोर के समझ में आ गया कि अब ये पकड़ा गया है। बगैर कुछ बोले उन्होंने चेन दुकानदार को दिया और खुद को सरेंडर कर दिया और पुलिस के साथ थाने चला गया। दोस्तों अब हम आपको एक ऐसा तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देख शायद आपका इंसानियत से भरोसा ही उठ जाए, लेकिन ये दिखाना भी ज़रूरी है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि बूढ़ी सी औरत अपने घर की तरफ जा रहा है, लेकिन रास्ते में एक इंसान स्कूटर लेके खड़ा है। ये नाटक तो ऐसे कर रहा है जैसा मानो इनसे शरीफ दुनिया में कोई है ही नहीं, लेकिन इनके इरादे गलत होते हैं। जैसे ही वो औरत के पास पहुँचती है औरत डर जाती है, लेकिन ये बंदा फिर भी उस बूढ़ी औरत को अपने बातों में फंसा लेता है। ये देखिए वो बंदा कैसे उस बूढ़ी औरत से एड्रेस पूछने के बहाने उनके नज़दीक जाता है, फिर इधर उधर देखता है। जब उसे लगता है रोड पर कोई नहीं है ये उस महिला का चेन लेकर भाग जाता है। ये बूढ़ी औरत चोर को पकड़ने के चक्कर में 2 बार गिर जाती है रोड पर, चोट भी आती है बहुत, लेकिन इनसे चोर को क्या लेना देना, वो तो अपना हाथ साफ करके निकल गया। दोस्तों आप अपनी राय दे सकते हैं ऐसे आदमियों के ऊपर।
तो अब यहाँ देख लीजिए कैसे एक चोर चोरी करने के इरादे से दुकान के अंदर घुसता है और दुकानदार को कभी ये फ़ोन दिखाने को बोलता है तो कभी वो फ़ोन, और इधर उधर घूमता है दुकान के अंदर। क्योंकि इनको फ़ोन तो ख़रीदना नहीं है, इनका इरादा तो कुछ और है, ये तो बस चोरी के लिए इस दुकान में घुसा है। दोस्तों ये देखिए, जैसे ही दुकानदार दूसरी काउंटर पर फ़ोन लेने के लिए जाता है, इतने में इस शातिर ने बगल से एक और फ़ोन चुरा लिया जो दुकानदार ने देख लिया। फिर क्या था, दुकानदार ने छलांग लगाया और चोर को धर दबोचा। हालांकि दोनों के बीच खूब गुत्थम गुत्था चली, आखिर में चोर पकड़ा ही गया। दुकान में काम करने वाले और भी लोग पहुंच गए और चोर को पकड़ लिया गया और फिर बिना साबुन पानी के धुलाई करके उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। दोस्तों आपने लुंगी डांस बहुत देखा होगा, सुना होगा, लेकिन आप लुंगी चोर को भी देख लीजिए। आज ये एक कपड़े दुकान में तीन महिले के साथ आता है और आते ही अपना लुंगी नीचे गिरा लेता है और इसके बाद दुकान से कपड़े चुरा अपने लुंगी में डाल लेता है। भाई कमाल है, लुंगी चोर कहीं के। दोस्तों आपने पहले कभी देखा था ऐसा लुंगी चोर, कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये चोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ एक चोर ने एक मॉल से $3200 की रिंग चुरा ली। जी हाँ, इसके बाद इन्होंने दुकान से भाग लिया। वहाँ से दुकानदार ने उन्हें पीछा कर पकड़ लिया और देखते ही देखते वहाँ पुलिस आ गई। जब चोर को पता चला कि मामला गर्म हो गया है, फिर उसने रिंग को मुंह के सहारे अंदर निगल लिया और जब पुलिस ने इनकी तलाशी ली तो पुलिस को कुछ नहीं मिला। लेकिन दुकानदार ने पुलिस को रिक्वेस्ट किया कि इनकी बॉडी का एक बार एक्सरे करवाया जाए। फिर जब पुलिस वाले ने चोर के बॉडी का एक्सरे करवाया कि रिंग चोर के पेट में थी। क्या यार, मिनटों में पैसे कमाने के चक्कर में इस चोर ने तो अपनी वाट लगा डाली। दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी इंटरेस्टिंग चोरों की कहानी है तो आप हमें कमेंट में बताइए। दोस्तों यह है दुपट्टा गैंग। यहाँ 4-5 महिला एक साथ दुकान में आती हैं, दुकानदार को बातों में फंसाती हैं और इतने में गल्ला साफ कर जाती हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। ये देखिए कैसे महिला दुकानदार को अपनी बातों में उलझा रही है और इसके बाद वो उनको चूना लगा रही है। अब यहाँ देख लीजिए, ये भी दुपट्टा गैंग ही है। पहले 5 महीना महिला दुकान के अंदर आती हैं, दुकानदार को बातों में फंसाती है और एक महिला गल्ला साफ करने लगती है। लेकिन आप यहां देखिए कैसे महिलाएं दुपट्टा फैलाकर अपने साथी को चोरी करते हुए बचा रही हैं। और ये घटना तो उससे भी बड़ी है। यहां दुकान के अंदर महिलाएं पानी पीने की नाटक कर रही है, बाकी दुपट्टा फैला के खड़ी है। लेकिन ये क्या, यहां तो चोर 4 साल की बच्ची है। जी हाँ दोस्तों, गैंग में एक नया शामिल, इस बार तो चोरी ये बच्ची कर रही है। क्या शातिर ट्रेनिंग दिया है इनको। है दिल्ली का चांदनी चौक, लेकिन आजकल ये रोड आम लोगों के लिए अंधेरी रात की जैसा है। क्योंकि यहाँ से अगर आप गुजरे तो यकीन मानिए आप घर तो पहुँच जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ आपका चोरी ज़रूर हो जाएगा। इस रोड के चोर बहुत शातिर हैं, देखिए इन्हें कैसे चोरी कर रहा है। चलते गाड़ी के पीछे बैग से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है। ये दुनिया का एकमात्र चोर है जहाँ चोर चोरी करने के बाद आराम से निकलता है रोड से, और जिनका चोरी हुआ है उनको तो पता ही नहीं उनके साथ हुआ क्या है। इससे बचने के लिए जब भी आप चांदनी चौक जाते हैं तो बैग के आप आगे साइड यानी छाती के साइड पर रखें। दोस्तों अगर आप दुकानदार हैं तो आपको बिल्कुल चौकन्ना होना है और आपका ध्यान दुकान के एक एक सामान पर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। ये मामला हमारे पड़ोसी मुल्क का है, दुकानदार थोड़ा सुस्त लग रहा है। यहाँ देखिए, दो महिला दुकान में घुसती है और मोबाइल देखने की एक्टिंग करने लगती है। पहली महिला दुकानदार को अपनी बातों में उलझाती है और दूसरी महिला हाथ साफ कर जाती है। दोस्तों देखिए, जैसे ही दुकानदार का नज़र हटा, इस महिला ने एक नहीं दो दो मोबाइल चुरा लिए वहां से, और जब दुकानदार ने उसके तरफ देखा तो उन्होंने अपनी मीठी बातों में उन्हें फंसा लिया। ये है महिला शातिर चोर, एक ही झटके में दुकानदार को दो दो मोबाइल का झटका दे दिया और बगैर कुछ लिए वहां से चलते बनी। फाइनली दोस्तों हम बात करेंगे बंगाल के एक दुकान की, जहां पर 3 चोर पूरी प्लानिंग के साथ में आता है चोरी करने के लिए, जिसका चोरी देखने के बाद आपको मन करेगा कि इनको तो 15 तोपों की सलामी देनी चाहिए। व्हाइट कपड़े वाले चोर दुकानदार को अपने बातों में उलझाया हुआ है, हरे कपड़े वाले इधर उधर देख रहे और उनको इशारा करते हैं उनको, और तीसरे जो ब्राउन कपड़े में काला सा आदमी है उसका ध्यान पूरा गला पे है कि कब मौका मिले और गला साफ करके भागे यहाँ से। एक बार तो गला में हाथ देता भी है, दूसरी बार दुकानदार के टोकने पर उन्होंने एक ब्रेड ले लिया, खरीद लिया ये जताने के लिए कि मैं खरीदने के लिए आया हूँ, और वहीं खड़ा होकर सर को खुजाते हुए वो अच्छे मौके की तलाश करता है कि कब नज़र हटे और हम वारदात कर डालें।
और फाइनली हरे कपड़े वाले ने उनको आइसक्रीम लेने के बहाने उसको उलझाया इसमें कि भाई ये चाहिए वो चाहिए, और मौका देखते ही वो शातिर चोर पैसे से भरा बैग लेकर रफू चक्कर हो गया। चूंकि अब तो वारदात को अंजाम दे दिया गया था, इस वजह से तीनों वहां से निकल गए। इसमें वीडियो का बेस्ट पार्ट आप हमें कमेंट कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।